वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे एचटीएमएल का ब्लॉक कोड एंड फ्री टैग। लेट अस स्टार्ट नाउ। फर्स्ट ऑफ ऑल, ब्लॉक कोड टैग किस लिए यूज की जाती है? दिस टैग प्रोवाइड ए टैब डिस्टेंस। एक टैब प्रेस करने से जितना डिस्टेंस प्रोवाइड होता है, जितना डिस्टेंस ये आपको प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट वन इज प्रीटैग। प्रीटैग डिफाइन प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट। प्री फॉर्मेटेड का मतलब है बेटा, जैसे आप कोई चीज राइट करोगे ये सेम उसी वे में उतने ही डिस्टेंस पर उतनी ही लाइंस में आपको शो कर देगा। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? ब्लॉक कोड तो आपको ओनली स्पेस स्पेस ओनली टैब स्पेस शो करता है, ठीक है, और ये आपको बोथ स्पेस विद लाइन ब्रेक कि टेक्स्ट के साथ आपने जितना लाइन ब्रेक दिए हुए और जितना स्पेस दिया हुआ है वो सारा का सारा आपको एज इट इज प्रिजर्व करके शो कर देता है। चलिए अब हम इसका प्रैक्टिकल करते हैं। उसके लिए नोटपैड ओपन कीजिए। स्टार्ट करते हैं। हमने नोटपैड ओपन कर लिया, अब हम अपना प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे। हेड, टाइटल, टाइटल में हम राइट कर देते हैं गुड डे स्लैश टाइटल एंड स्लैश हेड। नाउ स्टार्ट बॉडी टैग। अब बॉडी टैग में मुझे कुछ कंटेंट राइट करने हैं। डाटा हैंडलिंग, नेक्स्ट लाइन में आना चाहिए ये। डाटाबेस, क्वेरी लैंग्वेज, ये राइट करना है मेटा मुझे अपने वेब पेज पर। नाउ क्लोज कर दीजिए आप इसे। कंट्रोल एस सेव करने के लिए, सेव हम इसे कर रहे हैं प्री नेम से ही कर देती हूँ, प्री डॉट एच टी एम एल। सेव इट नाउ। अब देखिए प्री नेम से डेस्कटॉप पर एक फाइल ओपन चुकी है आपकी, इसे ओपन कीजिए। अब इसने जो कुछ भी राइट किया है वो सारा एक सिंगल लाइन में ही राइट किया हुआ है। अगर आपको अलग अलग लाइन्स में राइट करवाना है देन हम यूज करते हैं, आपको पता है आप कौन सी टैग यूज करते हो उसके लिए, बी आर टैग। हर लाइन के एंड में बी आर टैग दीजिए, इससे एक न्यू लाइन इंसर्ट कर देगा। कंट्रोल एस, रिफ्रेश नाउ। अब जो कुछ भी इसने राइट किया हुआ बिल्कुल स्टार्टिंग में राइट किया हुआ है, मैं चाहती हूँ थोड़ा सा डिस्टेंस यहां से राइट करें, एक टैब का डिस्टेंस देके या 5 या 6 करेक्टर लीव करके देन ये राइट करना स्टार्ट करें। जैसे आप अपनी नोटबुक में राइट करते हैं कुछ मार्जिन देके तब राइट करते हैं, तो सेम थिंग राइट करनी है तब हम यूज करते हैं बॉडी टैग में। यहाँ पर आप अप्लाई करोगे ब्लॉक कोड। ये आपके कंटेनर टैग है, इसे आप क्लोज भी कीजिए। ये चेक कीजिए, देखिए सबके सामने इसने टैब का डिस्टेंस अप्लाई कर दिया। अगर आपको थोड़ा और आगे एडजस्ट करना है या आप ओनली सेकेंड लाइन को एडजस्ट करना चाहते हैं या ऑल डाटा को एडजस्ट करना है तो वन टाइम अगेन दे दीजिए ब्लॉक कोड, ये वन टैब का डिस्टेंस और अप्लाई कर देगा। आप चाहते हो कि सेकेंड लाइन थोड़ा और आगे से एडजस्ट हो तो यहां पर फिर आप अगेन ब्लॉक कोड दे सकते हो सेकेंड लाइन के सामने। रिफ्रेश इट नाउ। ये है बेटा ब्लॉक कोड टैग। इससे आप क्या अप्लाई होता है बेटा, आपका टैब का डिस्टेंस। अब हम करेंगे प्री टैग, इसको रिमूव किया डाटा को
अब प्री में क्या है, प्री फॉर्मेटेड, जिस फॉर्मेट में आप राइट करोगे सेम फॉर्मेट में ही आपको रिजल्ट को शो करेगा। अब मुझे राइट करवाना है, ये आपको राइट करना है इस तरह से, एंड इसके बाद डिस्टेंस पर यहां से स्टार्ट आप करना चाहते हो ये कॉन्सेप्ट। अब इसका रिजल्ट देखिए ये आपको कैसे शो कर रहा है, कि सेम वन लाइन में शो किया है। मैं चाहती हूँ जैसा मैंने राइट किया सेम उसी फॉर्मेट में ये मुझे शो कर रहे रिजल्ट को। देन आप अप्लाई कीजिए प्री टैग एंड कंटेनर टैग है, इसे लास्ट में क्लोज भी करना है आपको। ये देखिए जिस मेथड से या लाइन ब्रेक से या जितना स्पेस प्रोवाइड करके आपने राइट किया था सेम स्पेस से आपको शो कर रहा है। अगर आपको इनका कलर चेंज करना है देन कलर चेंज करने के लिए आप प्री टैग से पहले अप्लाई कर दीजिए फॉन्ट टैग। साइज आल्सो चेंज कर देते हैं हम, 6 अप टू 7 तक चेंज होता है साइज। अब कंट्रोल एस, अब रिफ्रेश कीजिए। इस तरह से जिस भी फॉर्मेट में आपको कुछ अप्लाई करवाना है तो आप अप्लाई करवा सकते हो। अगर आप चाहते हो कि ये जो कंटेंट है दिस वन आप इनका कलर ब्लू करना चाहते हो देन आप अगेन से फोन टैग अप्लाई कर दोगे। जिससे पहले आपको अप्लाई करवाना है कलर वहां पर फोन ओनली कलर कलर चेंज कर रहे हैं हम ब्लू, एंड अपने फोन टैग को लास्ट में हम करते हैं क्लोज से। रिफ्रेश कीजिए, ये देखिए जहां तक आपने अप्लाई किया था रेड कलर एंड जिसके बाद आपको ब्लू करना था वहां पे उसने अप्लाई कर दिया। अगर आप कुछ चेंजेस करते हो कि इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस आपको इस तरह से नहीं ऐसे राइट करवाना है तो, और ये डाटा हैंडलिंग इनसे भी आगे जैसे आप राइट करोगे बेटा उसी फॉर्मेट में आपको शो कर देना। आप इसको सेव कीजिए, अगर कुछ चेंजेस वहां किए हैं तो आपको स्क्रीन पर भी शो करेगा। ये आपकी आज प्री टैग एंड ब्लॉक कॉड टू टैग्स अटेम्प्ट हो गई है। इसके बाद हम नेक्स्ट टैग के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे। इन्हीं टैग्स का यूज करके आप कुछ नया प्रोग्राम क्रिएट कीजिए। एंड इफ यू लाइक माई video, then please subscribe and share my channel. Thanks for watching my videos.